जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल झा मैथ्स मैजिक पे, जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो आज हम इस पूरी वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिहार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में। ठीक है, बिहार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में बहुत लोग जो है ना कमेंट करके पूछ रहे थे कि जहां जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, इवन ये ब्लॉक आवंटित कर दिया गया है, उनको अभी ज्वाइन नहीं करवाया गया है, कब ज्वाइनिंग होगा? क्योंकि ब्लॉक आवंटित है तो ज्वाइनिंग भी तो हो जाना चाहिए। बहुत जगह वेरिफिकेशन भी हुआ है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। क्या ये पूरा का पूरा मामला है? क्यों ऐसा पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है? ठीक है, जितना डिले क्यों हो रहा है? अगर आप बात करिए तो इस बिहार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जो नोटिफिकेशन आया था वो बीपीएससी का जो टीचर बहाली था फर्स्ट, उससे पहले ही आया था। बीपीएससी टीचर में 1, 2, 3 हो गया सर, वहां पे सबका ज्वाइनिंग भी हो गया, सैलरी भी उठा लिए, लेकिन यहाँ पे जो है ना बहुत ही डिले चल रहा है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि बिहार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है ये पूरा का पूरा जो है ना एक स्कीम है, योजना के तहत इस पे काम किया जाता है। और सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार स्टेट में, हर एक स्टेट में ये चलता है। तो हर एक स्टेट में चलता है, सबका अपना अलग अलग तरीका है, रिक्रूटमेंट का अलग अलग तरीका है, सब कुछ का अलग अलग तरीका है। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको जो है ना थोड़ा सा सुन के आश्चर्य होगा कि ये भर्ती जो है ना अगर 1-2 महीने में पूरा क्लियरेंस नहीं होता है, नवंबर तक अगर पूरा का पूरा क्लियरेंस नहीं होता है तो ये भर्ती वहीं पे जो है ना रोक दिया जाएगा और नया भर्ती निकाला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए उन तमाम स्टूडेंटों के साथ जिन्होंने एग्जाम दिया था और एग्जाम देने के बाद जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, जिनका लिस्ट में नाम ऊपर है, उन सबका ज्वाइनिंग होना चाहिए। जिनको ब्लॉक आवंटित भी कर दिया गया उन सबका ज्वाइनिंग होगा। लेकिन अगर ये और डिले हो जाता है 2 महीना नवंबर तक अगर डिले हो जाता है तो लेट मी टेल यू कि हो सकता है कि आपका ये पूरा का पूरा भर्ती जो है ना वहीं पे रोक दिया जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा रोस्टर क्लियर कर दिया जाएगा और नया भर्ती की बात शुरू हो जाएगा। नया भर्ती में 2-3 बातें होंगे अगर हम आपको बता देना चाहते हैं। पहली बात, एग्जाम तो होगा, सैलरी आपका बढ़िया मिलेगा। हो सकता है कि नया भर्ती में नया क्राइटेरिया आपको जोड़ा जाएगा और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल सकता है नया भर्ती में। लेकिन इसमें जो फॉर्म भरे हुए थे जिनका मान लीजिए, ठीक है, ज्वाइनिंग मतलब ब्लॉक आवंटित किया गया, ज्वाइनिंग नहीं हुआ, आपको बहुत जल्दी ज्वाइनिंग भी दे दिया जाएगा। ठीक है, आपका करना क्या था कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस जो है डीओ के ऑफिस जाके विजिट करना था, पता लगाना चाहिए था, आपको वहां जाके बात करना चाहिए। ठीक है, वैसे तो वो लोग बताते हैं कि भैया कुछ भी होगा तो हम आपको नोटिस से बता देंगे, लेकिन नोटिस कहीं नहीं आता है। ठीक है, अगर आता भी है तो बहुत जो है ना खोज के निकाला जाता है नोटिस को। ठीक है, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि अब इस पे जो है ना आशा कम रखिए। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, जिनका ब्लॉक आवंटित कर दिया गया, आप श्योर रहिए आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। बाकी लोग जो है ना आप ये मान के चल सकते हैं कि नया भर्ती का वेट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं से भी जो है ना कोई क्लू नहीं दिख रहा है कि आपका जो है ना नवंबर तक में सबका क्लियर कर दिया जाएगा। बहुत सारी वादाएं हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन करके भी छोड़ दिए। ठीक है ना, बहुत सारी बातें हो गई और जैसे ही कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगा तो डेफिनेटली हम आपको अपडेट कर देंगे। इसके लिए आप चैनल पे बने रहिएगा। ये बात जरूर है कि देखो कहीं से भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, लीगल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आए तो डेफिनेटली आई विल शेयर यू। ना कि सिर्फ वीडियो बनाने से, कुछ भी बोलने से नहीं होगा। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलता है, अभी तक हमको जहां तक इन्फॉर्मेशन मिला है कि नवंबर तक में ये पूरा प्रक्रिया हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हो सकता है कि न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, वैसे चलो हम लोग हमेशा जो है ना पॉजिटिव सोचते हैं। आई होप कि नवंबर तक पूरा क्लियर हो जाए और जैसे ही अगर नवंबर तक पूरा क्लियर हो जाता है तो आप सबके लिए गुड न्यूज है। लेकिन बैड न्यूज हो जाएगा उनके लिए जिन्होंने चौकीदार का फॉर्म भरा है, ये सब भरा है, उनका तो लगभग आप समझिए कि ठंडे अवस्था में चला गया है। उनका जो है ना मतलब लगभग ना के बराबर आप समझिए 0.1% का ही चांस हो सकता है अगर नवंबर तक वो भी नहीं होता है, क्योंकि अभी तक एक भी नोटिस नहीं मिला उनको। तो ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाए। तो चलिए, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आता है हम आपको जरूर जो है ना बताएंगे। ठीक है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आप इस पर्व को बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय कीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से मनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। थैंक यू।